नमस्कार। हर तरफ रोशनी है चले आइए, फिर से महफिल सजी है चले आइए, कोई कविता बुलाती है फिर आपको, एक गजल कह रही है चले आइए। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह वाह। अभिनंदन, स्वागत। हम एक बार फिर आपके लिए एक काव्य गोष्ठी लेकर उपस्थित हुए हैं। डिवाइन मेलोडीज के इस तहजीब कार्यक्रम के अंतर्गत आज देश के विभिन्न कोनों से हमारे पास शायर मौजूद हैं, जिसे हम ऑल इंडिया मुशायरा कह सकते हैं, कुल हिंद मुशायरा कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास यूपी से, एमपी से और मैं खुद हरियाणा से हम लोग हैं। इस तरह कई प्रदेशों से लोग जुड़कर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, संस्कृत की भी हमारे पास चेहरा है, हिंदी और संस्कृत हम भाषाओं में हम लोग रचनाएं भी पढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर से डिवाइन मेलोडीज की तहजीब कार्यक्रम के प्रोड्यूसर श्री ऋषिराज जी और निदेशक श्री कृष्ण सेठी जी, सत्यम राज जी का और कैमरामैन श्री मयंक जी का विशेष आभारी हूँ, जिनके सब प्रयासों से यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, निरंतर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है और दूर दूर लोगों से फोन भी आते हैं, कॉल भी आती है कि यह कार्यक्रम बेहद पसंद भी किया जा रहा है। मैं आप सबका भी एक बार दूरदर्शकों का भी और श्रोताओं का भी बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आपने यह कार्यक्रम पसंद किया। आज सबसे पहले हम सरस्वती माता की वंदना करना चाहेंगे। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम दही नमोस्तुते। मैं सरस्वती वंदना के लिए हमारे साथ विमला शर्मा जी हैं, संस्कृत की प्राध्यापिका भी हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमें सरस्वती माँ की वंदना करें और अपनी रचनाएं भी साथ साथ कहें। प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। या कुन्देन्दु तुषारहारधौला, या शुभ्रवस्त्राभृता, या वीणावरतण्डमण्डितकरा, या श्वेतपदमासना, या ब्रह्ममाच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या सहा। मैं मंच पर आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सामने बैठे श्रोताओं का स्वागत करती हूँ और आप सबके लिए कहती हूँ, आप सब आए हैं कि कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे आए हैं, कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे आए हैं। अहो भाग्य की अतिथि आज हमारे आए, कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे आए हैं, अहो भाग्य की अतिथि आज हमारे आए हैं। और ऐसा लग रहा है कि नील गगन से उतर उतर कर सारे आए हैं, नील गगन से उतर उतर कर सारे आए हैं। इस प्रांगण में सूरज चांद सितारे आए हैं, इस प्रांगण में सूरज चांद सितारे आए हैं। और आपने जो पीली साड़ी पहनी है तो आप कैसी लग रही हैं, मैं बताती हूँ कि आप कैसी लग रही हैं। कि कृष्ण की गीता का तुम संवाद हो, कृष्ण की गीता का तुम संवाद हो, तुम ऋचाओं का कोई अनुवाद हो, कृष्ण की गीता का तुम संवाद हो, तुम ऋचाओं का कोई अनुवाद हो। और तुमसे ही है विश्व में अनुपम उजाला, तुमसे ही है विश्व में अनुपम उजाला, तुम शरद की पूर्णिमा का चांद हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। जो मंच पर उनके लिए कहना चाहती हूँ, एक एक जन एक एक किताब है, क्योंकि सभी किताबें लिखते हैं, सभी शायरी लिखते हैं, शेरो शायरी करते हैं, तो जो गजल कविताएं लिखता है वो किताब खुद में एक यूनिवर्सिटी होता है, खुद में एक किताब। वाह वाह भाई वाह। तो अच्छा है लगता गुलाबों से मिलना, अच्छा है लगता गुलाबों से मिलना, बहुत अच्छा लगता है ख्वाबों से मिलना, अच्छा है लगता गुलाबों से मिलना, बहुत अच्छा लगता है ख्वाबों से मिलना, मगर आपसे मुझे ऐसा है लगता,
मगर आपसे मिलके ऐसा है लगता कि जैसे लाखों किताबों से मिलना। वाह 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 क्या बात है, वाह वाह। और शायरी ज्यादातर वेदना की शायरी होती है, विरह की शायरी होती है। तो बहुत पहले मैंने लिखा था, जो भूल चुका है वो याद आता है, जो हमें भूल चुका है वो किस तरह से याद आता है कि मेरे ख्वाबों मेरे अरमां को जलाने वाला, मेरे ख्वाबों मेरे अरमां को जलाने वाला, तू मुझे याद आया मुझको भुलाने वाला, तू मुझे याद आया मुझको भुलाने वाला, मेरे ख्वाबों मेरे अरमां को जलाने वाला, मेरे ख्वाबों मेरे अरमां को जलाने वाला, तू मुझे याद आया मुझको भुलाने वाला, तू मुझे याद आया मुझको भुलाने वाला। जिंदगी अब मुझे ना जिंदगी सी लगती है, जिंदगी अब मुझे ना जिंदगी सी लगती है, मेरे ख्वाबों मेरे अरमां को जलाने वाला, तू मुझे याद आया मुझको भुलाने वाला, तू मुझे याद आया मुझको भुलाने वाला। प्यास अब बूंद बूंद की मुझे तड़पाती है, प्यास अब बूंद बूंद की मुझे तड़पाती है, छोड़ा सहरा में भरपूर पिलाने वाला, छोड़ा सहरा में भरपूर पिलाने वाला, तू मुझे याद आया मुझको बुलाने वाला। कैसा तोहफा दिया तूने ये पतझड़ों का मुझे, कैसा तोहफा दिया तूने ये पतझड़ों का मुझे, जिंदगी को मेरी गुलशन सा खिलाने वाला, जिंदगी को मेरी गुलशन सा खिलाने वाला, तू मुझे याद आया मुझको बुलाने वाला। देख अंधियारा उजाले को मुझसे छीन लिया, देख अंधियारा उजाले को मुझसे छीन लिया, चांद तारों को मेरी खिड़की पे लाने वाला, चांद तारों को मेरी खिड़की पे लाने वाला, तू मुझे याद आया मुझको भुलाने वाला। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। कि अब वो चैन कहाँ, अब वो आराम कहाँ, अब वो चैन कहाँ, अब वो आराम कहाँ, तेरे जाने के बाद आई है वो शम कहाँ, तेरे जाने के बाद आई है वो शम कहाँ। वाह वाह भाई वाह। होठों पे नाम जब आता है तेरा लगता है, होठों पे नाम जब आता है तेरा लगता है, इससे प्यारा है इस जहाँ में कोई नाम कहाँ, इससे प्यारा है इस जहां में कोई नाम कहां। हर कीमत पर चाहा मैंने तुझको पा लेना, हर कीमत पर मैंने चाहा तुझको पा लेना, उम्र गुजर गई कमाया अपना दाम कहां, उम्र गुजर गई कमाया अपना दाम कहां। वाह वाह भाई। तेरी बातों तेरी यादों का अब भी जो नशा है, तेरी बातों तेरी यादों का अब भी जो नशा है, वो नशा मुझे दे पाया कोई जाम कहां, अब वो चैन कहां, अब वो आराम कहां, तेरे जाने के बाद आई है फिर शाम कहां, तेरे जाने के बाद आई है फिर शाम। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। दिल को चुराने जाता है खुशियां भी चुरा पाता, कि चकमा देकर चोरों ने चोरी की चमन की खुशबू, चकमा देकर चोरों ने चोरी की चमन की खुशबू, मगर चंपा चमेली चमन में अब भी चमकती है, मगर चंपा चमेली चमन में अब भी चमकती है। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। श्लोक मेरा लिखा हुआ नहीं है, श्लोक है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके लिए, और उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। कि यथा चित्त तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, साधु कैसा होना चाहिए, जैसा मन विचार और क्रिया उसका कर्म
वैसा ही होना चाहिए, एक जैसा। यथा चित्तः तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनां एकरूपता, चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनां एकरूपता। शुक्रिया प्रभुला जी, देववाणी से महफिल का आगाज हुआ है। एक तरन्नुम सी आवाज, फिर तेरे दिलकश अल्फाज, उस पर तेरा ये अंदाज, ये था महफिल का आवाज। मैं माफी चाहता हूँ, मैं इससे पहले मुझे इतला कर देनी चाहिए थी कि हमारी आज की इस गोष्ठी के सुधार कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं अथर शकील साहब, जो बिजनौर से हमारे विशेष अतिथि आज की सीमा सिकंदर जी हैं, जो गाजियाबाद से उपस्थित हुई हैं। तो मैं इन दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारे इस मुंबई के इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग लेने के लिए उपस्थित हैं। कोमला जी, हमने मैडम को देखकर एक बात कहनी थी उन्हें, तो मैं शेर के माध्यम से कह रहा हूँ। ये आलम अब हमें बदला रहा है, खुशी का एक मंजर छा रहा है, और उसे महसूस करना भी है लाजिम, जिसे आंखों से देखा जा रहा है। मैं अब निमंत्रित कर रहा हूँ सीमा जी को। सीमा जी से पहले मेरा ख्याल है, मैं डॉक्टर साहब को निमंत्रित करता हूँ, जो डॉक्टर वासिफ साहब को। वासिफ साहब हमारी गोष्ठी में निरंतर रहते रहते हैं, बाकमाल शायर हैं। मैं आप एक शेर के माध्यम से निमंत्रित कर रहा हूँ, आप शेर देखिए और उनकी गजलें सुनिए उस हिसाब से। हुनर को जब कभी मेहनत में ढाल देता है, हुनर को जब कभी मेहनत में ढाल देता है, वो पत्थरों से भी सोना निकाल देता है। अजीब शख्स है उससे सवाल मत करना, अजीब शख्स है उससे सवाल मत करना, वो हर सवाल को शेरों में ढाल देता है। खूबसूरत लतीफ, आप इतनी गजलें सुने और बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम गुलशन मदान जी, श्री ऋषिराज जी, किशन सेठी जी, मेरे अजीज, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे तहरीरा दोस्त आकर शकील साहब, प्रमीला जी, आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। इतने खूबसूरत अल्फाज से गुलशन मदान जी ने मुझे दावत कलाम दी। अर्ज करता हूँ, देखिए कि ये मेरे शेर हैं, ये मेरे शेर हथियार, धार धार जनाब, ये मेरे शेर हैं हथियार धार धार जनाब, कहूं तो आपका खंजर लहू लहू कर दूं, आपका खंजर लहू लहू कर दूं। इसी ख्याल को देखिए, कता अर्ज करता हूँ, इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि तुमको लगा था इल्म या कोई फ़नून है, इल्म फ़नून आर्ट एंड साइंस, तुमको लगा था इल्म या कोई फ़नून है, पर ये नहीं पता था मोहब्बत जुनून है। तुमको लगा था इल्म या कोई फ़नून है, पर ये नहीं पता था मोहब्बत जुनून है, और टकरा के मुझसे आप ही नुकसान में रहा, टकरा के मुझसे आप ही नुकसान में रहा, मेरा नहीं ये आपके खंजर का खून है, मेरा नहीं ये आपके, मेरा नहीं ये आपके खंजर का खून है। रमीला जी संस्कृत की अध्यापिका है और बहुत अच्छे उन्होंने संस्कृत के श्लोक पढ़े और कुछ कविताएं भी पढ़ी, आपका वो सुन के एक उपनिषद का वाक्य याद आ गया,
जो कि मेरी जिंदगी का या ये कहिए कि मेरी शायरी का मज्जा मावा बना। उपनिषद में बड़ी अच्छी बात मैंने पाई, यतो हस्त ततो दृष्टि, यतो हस्त ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मना, यतो मना ततो भावा, यतो भावा ततो रसा। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है वाह वाह। दिल होना चाहिए, जहां दिल है वहां भाव होना चाहिए, जहां भाव होता है वहीं रस की उत्पत्ति होती है। मैं अपने पुराने दिन जब याद करता हूँ, मुझे मोहतरम ऋषिराज जी और किशन सेठी साहब, हमारे ये जो एक शरीफाना टेम्परमेंट जो है हमारा शायरी में जो डेवलप हुआ, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं किशन सेठी जी को देता हूँ। एक जमाने हमारे बचपन में एक सीरियल आया करता था कथा सागर, जिसमें नीति संबंधी बातें हुआ करती थी, इनसाइट के लिए बातें हुआ करती थी। शायरी के लिए आप ये महज ना जान लीजिएगा कि आपने कुछ मोटे मोटे अल्फाज इकट्ठा कर लिए हैं तो वो शायरी हुई। शायरी ये नहीं होती, शायरी दिल से निकले हुए ऐसे जज्बात जिसको अल्फाज बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। अनकहे अनसुने अल्फाज का भंडार नहीं, अनकहे अनसुने अल्फाज का भंडार नहीं, शायरी नाम है जज्बात की गहराई का। वाह वाह वाह, शायरी नाम है जज्बात की गहराई का। और ये आपकी नजर करता हूं, देखिए ऐसा इंसान कहां आज दिखाई देगा, ऐसा इंसान कहां आज दिखाई देगा जो बुराई के सिले में भी भलाई देगा, जो बुराई के सिले में भी भलाई देगा। दाग है उजले ही दामन पे नजर आएंगे, दाग है उजले ही दामन पे नजर आएंगे, साफ दामन है तू किस किस को सफाई देगा। वाह वाह भाई वाह, साफ दामन है तू किस किस को सफाई देगा। खुद से हम खुद को भी आजाद न होने देंगे, खुद से हम खुद को भी आजाद न होने देंगे, जिसके कैदी हैं वही हमको रिहाई देगा, जिसके कैदी हैं, जिसके कैदी हैं वही हमको रिहाई देगा, जिसके कैदी हैं वही हमको रिहाई देगा। सारी दुनिया उसे धुंधली सी नजर आएगी, सारी दुनिया उसे धुंधली सी नजर आएगी, जो तुझे देखे उसे तू ही दिखाई दे, जो तुझे देखे उसे तू ही दिखाई देगा, जो तुझे देखे उसे तू ही दिखाई देगा। और ये कुछ कथाबंद अशार अर्ज करता हूं, कथाबंद अशार थोड़ी तशरीह कर दीजिए। एक किसी नाम पर कहे हुए, एक किसी टॉपिक पर कहे हुए कुछ शेर होते हैं। इसमें टॉपिक ये है कि मैंने अपने असलाफ को, अपने जो बुजुर्ग शौरा हैं उनको याद किया है। अर्ज करता हूँ, देखिए, जिसके कैदी हैं वही हमको रिहाई देगा, मीर के दीन के बारे में न पूछो हमसे। आथर भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा है। मीर का बड़ा मशहूर मारूफ शेर था कि मीर के दिनों मसब का तुम पूछते क्या हो, उनने तो कशका खेचा देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। या मैंने मीर के उस मिसरे से इस्तेफादा किया है। देखिए अर्ज करता हूं कि मीर के दीन के बारे में ना पूछो हमसे, कुफर खुद उसकी विलायत की गवाही देगा। दीन के बारे में ना पूछो, कुफर खुद उसकी विलायत की गवाही देगा। और बात बिगड़ी है कुछ ऐसी कि बनाए ना बने, मालिक का
बात बिगड़ी है, नुक्ताची है गमे दिल, उसको बताए न बने क्या बने बात, जहां बात बनाए। अर्ज करता हूं कि बात बिगड़ी है कुछ ऐसी जो बनाए न बने, फिर भी गालिब है वो हर बात बना ही देगा। वाह 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 वाह, फिर भी गालिब है हर बात, वो हर बात बना ही देगा। मेरे शेरों में तुम्हें ऐब नहीं मिलने का, मेरे शेरों में तुम्हें ऐब नहीं मिलने का, मेरे शेरों में तुम्हें दाग दिखाई, मेरे शेरों में तुम्हें दाग दिखाई देगा। और मांगने वाला शेरों में तुम्हें ऐब नहीं मिलने का, मेरे शेरों में तुम्हें दाग दिखाई देगा। असल में मैं दाग के खानदान से हूँ, शेरी खानदान जो है दाग का, तो उससे मैंने ताली, आप इसको कहीं से ना समझिए, मैंने अपने सिलसिले में शामिल किया है। ये है कि यहाँ पे कुछ और ही लगता है, बहुत गहरा इसका भेद। नवाजिश नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे शेरों में तुम्हें ऐब नहीं मिलने का, मेरे शेरों में तुम्हें दाग दिखाई देगा। और एक और सिलसिला है मेरा, अब्दुर्रहीम खान खाना वाला, अर्ज करता हूँ कि मांगने वाला सलीके का सवाली हो अगर, मांगने वाला सलीके का सवाली हो अगर, तब कहीं जाके रहीमन की दिखाई। बड़े सिंपल क्वेश्चन हुआ करते थे रहीम के मांगने के, जिस तरह हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा दानवीर कर्ण गुजरे हैं, उसी तरह रहीम भी एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनके यहाँ मांगने के बड़े सिंबलिक गेस्चर्स हुआ करते थे। एक आदमी आया, उनका दरबार सजा हुआ था, उसके हाथ में दूध से भरा हुआ एक कटोरा था, और रहीम अपने मसाइबों के साथ बैठे हुए थे, दरबार सजा हुआ था और सब अपने काम में लगे हुए थे। वो कहीं से ऐसे चलते हुए आया और रहीम से कहा, रहीम दूध का कटोरा उनको दिखाया और वापस चल गया। रहीम ने कहा कि भाई फौरन से पेशतर इस आदमी के घर पे शादी का साजो सामान और सारे जो लड़की की शादी का बंदोबस्त होता है वो कर दिया जाए। बड़े हैरान हुए, कहा कि ये क्या बात हुई। रहीम ने कहा कि एक जवान बेटी का बाप बहुत गैरतमंद होता है और वो अपनी हाजत किसी से बताता नहीं। ये सिंबलिक गेस्चर है मांगने का, या दूध का कटोरा भर चुका है अब ला जाइए, ये सिंबलिक गेस्चर था। ऐसे कई सारे वाकयात रहीम के हैं, तो उस सिंबलिक गेस्चर वाला एक शेर यूं था कि मांगने वाला सलीके का सवाली हो अगर, तब कहीं जाके रहीमन भी दिखाई देगा। हंस के मीरा ने कहा कृष्ण से, मोहन प्यारे, हंस के मीरा ने कहा कृष्ण से, मोहन प्यारे जहर देता है तू जैसे कि पिलाही देता। हंस के मीरा ने कहा कृष्ण से, मोहन प्यारे जहर देता है तू जैसे कि पिलाही देगा, जहर देता है तू जैसे कि पिलाही देगा। और वक्त के कानों पे जब शेर पढ़ेंगे, वक्त के कानों पे जब शेर पढ़ेंगे मेरे, सुन के उर्दू मेरी खुसरो को बधाई देगा, सुन के उर्दू मेरी खुसरो को बधाई देगा। सिर्फ वासिफ को सुनेगी नहीं दुनिया, थ्री डिमेंशनल शेर है, सिर्फ वासिफ को सुनेगी नहीं दुनिया, सुन लो बल्कि को जो भी कहेगा सो दिखाई देगा, जो भी कहेगा सो दिखाई देगा। और दो तीन शेर अर्ज करता हूं, हमें यूं लगता है जब तेरी रह गुजर गए हो, हमें यूं लगता है जब तेरी रह गुजर गए हो,
कि जैसे ताजा गुलाबों से जिस्म भर गए, कि जैसे ताजा गुलाबों से जिस्म भर गए हो, और कि जैसे ताजा गुलाबों से जिस्म भर गए हो। और शेरू था कि कसक जो पहले थी सीने में अब नहीं होती, कसक जो पहले थी सीने में अब नहीं, सीने में अब नहीं होती, तुम्हारे छूने से मुमकिन है जख्म भर गए, तुम्हारे छूने से मुमकिन है जख्म भर गए हो। और कभी कभी ये हुआ है कि तुझको बाहों में, कभी कभी ये हुआ है कि तुझको बाहों में समेट लेने की हसरत में खुद बिखर गए, समेट लेने की हसरत में खुद बिखर गए हो, समेट लेने की हसरत में खुद बिखर गए हो। और तुम्हारे पहलू में सदियों के रथ जगे देकर, तुम्हारे पहलू में सदियों के रथ जगे लेकर हम इस सुकून से सोए हैं जैसे मर गए। शुक्रिया डॉक्टर आसिफ यार साहब, बहुत खूबसूरत अशआर पेश कर रहे थे, अध्यात्म की बातें भी हो रही थी। आपने कथा सागर के निदेशक श्री कृष्ण सेठी जी का जिक्र किया, हमारे इस कार्यक्रम के निदेशक हैं। और मैं इस कार्यक्रम के बारे में जैसे पहले कह चुका हूँ कि बहुत दूर दूर तक इसकी शोहरत है, लोग तहजीब के नाम से सुनते हैं, यूट्यूब पर चैनल पर देखते हैं। तो मैं इतने सालों से इनका जो एक प्रयास है ये कर रहे हैं, उसके बारे में शेर के माध्यम से कह रहा हूँ। तू नजर नजर के कफस में है, तू नजर नजर के कफस में है, तेरी उम्र ऐसे बरस में है, तेरा जिक्र भी है जुबान जुबान, तेरा जिक्र भी है जुबान जुबान, तेरा नाम सबकी बहस में है। वाह वाह भाई वाह, क्या मैं साधुवाद देता हूँ, उन शहरों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो समझ में पर आते हैं। प्रोड्यूसर श्री ऋषि राज जी का विशेष हमारे जो यह कार्यक्रम चलाकर यूट्यूब पर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ भाई इमरान रफूक साहब आए हैं, आप बहुत अच्छे शायर हैं। मैं आपको एक शेर के माध्यम से, मैंने पहले वैसे कभी मिला नहीं, मेरा तारुफ नहीं है इनसे, लेकिन मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सुनते थे हम के शहर में इंसान बहुत हैं, फिर क्यों यहाँ के रास्ते वीरान बहुत हैं, कितने बरस से रहता हूँ इस शहर में मगर अब भी मेरे लिए यहाँ जान बहुत है। वाह 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 वाह। इमरान रफूक साहब, ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक मतले से की बात शुरू करता हूँ। तो भाई देखे के इन सुलगती हुई आंखों, इन सुलगती हुई आंखों नमी बोले, इन सुलगती हुई आंखों में नमी बो देंगे हम बिछड़ने के तसव्वुर से अभी रुक देंगे। इन सुलगती हुई आंखों में नमी बो देंगे हम बिछड़ने के तसव्वुर से अभी रुक देंगे, झूठ को झूठ ही रहने दो सुनो जिद न करो, झूठ को झूठ ही रहने दो, झूठ को झूठ ही रहने दो सुनो जिद न करो, सच अगर तुमसे कहेंगे तो तुम्हें खो देंगे, झूठ को झूठ ही रहने दो सुनो जिद न करो, सच अगर तुमसे कहेंगे
तो तुम्हें खो देंगे। शेर ये होता है कि हम मोहब्बत के सिपाही हमें सोचे दुनिया, हम मोहब्बत के सिपाही हमें सोचे दुनिया, अब के सहरा से जो गुजरेंगे लहू हो देंगे। हम मोहब्बत के सिपाही हमें सोचे दुनिया, अब के सहरा से जो गुजरेंगे लहू बो देंगे। मुझको शोहरत की बुलंदी ने बशारत दी है, मुझको शोहरत की बुलंदी ने बशारत दी है, अब तेरे शहर के कुछ लोग जड़े खो देंगे। मुझको शोहरत की बुलंदी ने बशारत दी है, अब तेरे शहर के कुछ लोग जड़े खो देंगे। एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ कि जुनूने इश्क में ऐसा रवा दवा मैं था, जुनूने इश्क में ऐसा रवा दवा मैं था, मुझे खबर ही नहीं थी कहां कहां मैं था। जुनूने इश्क में ऐसा रवा दवा मैं था, मुझे खबर ही नहीं थी कहां कहां मैं था, मेरा वजूद था बिखरा हुआ हवाओं में, मेरा वजूद था बिखरा हुआ हवाओं में, सुलगती रेत में आखिर धुआं धुआं मैं था। मेरा वजूद था बिखरा हुआ हवाओं में, सुलगती रेत में आखिर धुआं धुआं मैं था। मतलब यूं होता है कि पाक हो जाऊं गुनाहों से फरिश्ता कर दे, पाक हो जाऊं गुनाहों से फरिश्ता कर दे, जिंदगी भर के लिए तू मुझे बच्चा कर दे। पाक हो जाऊं गुनाहों से फरिश्ता कर दे, जिंदगी भर के लिए तू मुझे बच्चा कर दे, घर की हर एक जरूरत को जरूरत है मेरी, घर की हर एक जरूरत को जरूरत है मेरी, मेरे मालिक मेरी सांसों में इजाफा कर दे। घर की हर एक जरूरत को जरूरत है, घर की हर एक जरूरत को जरूरत है मेरी, मेरे मालिक मेरी सांसों में इजाफा कर दे। और ये भी शेर आपकी बेहतरीन समातों के हवाले करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं शायद कुछ कहने में कामयाब हुआ। अदर भाई शेर देखे बता आसिफ भाई के, घर की हर एक जरूरत को जरूरत है मेरी, मेरे मालिक मेरी सांसों में इजाफा कर दे, चंद जुगनू मेरी तहलीस पे आ बैठे हैं, चंद जुगनू मेरी तहलीस पे आ बैठे हैं, चंद जुगनू मेरी तहलीस पे आ बैठे हैं, रोशनी चीखती है मुझ में अंधेरा कर दे। चंद जुगनू मेरी तहलीस पे आ बैठे हैं, रोशनी चीखती है मुझ में अंधेरा कर दे, हम तेरे इश्क के नशे में नहीं है फिर भी, हम तेरे इश्क के नशे में नहीं है फिर भी, जान दे देंगे तू बस एक इशारा कर दे, हम तेरे इश्क के नशे में नहीं है फिर भी, हम तेरे इश्क के नशे में नहीं है फिर भी, जान दे देंगे तू बस एक इशारा कर दे, या तो फिर छीन ले बीनाई कलम की मेरे, या तो फिर छीन ले बीनाई कलम की मेरे, या अदब का मेरे मालिक मुझे हिस्सा कर दे, या तो फिर छीन ले बीनाई कलम की मेरे, या अदब का मेरे मालिक मुझे हिस्सा कर दे। एक मतलब और पढ़ता हूँ कि रस्मन ही मैंने देखा था बस आसमान पर, रस्मन ही मैंने देखा था बस आसमान पर, पहरे बिठा दिए गए मेरी उड़ान पर, रस्मन ही मैंने देखा था बस आसमान पर, पहरे बिठा दिए गए मेरी उड़ान पर, शक हो रहा है तेरी मोहब्बत पे इन दिनों, शक हो रहा है तेरी मोहब्बत पे इन दिनों, एक अरसा हो गया तुझे मुझसे लड़े हुए, एक अरसा हो गया तुझे मुझसे लड़े हुए। एक शेर और याद आ रहा है जरूर के शकील भाई, एक नया मतला हुआ अभी रास्ते में तो मैं पढ़ देता हूँ। मतलब प्यार करती है मुझे
और बहुत करती है, करती है मुझे और बहुत करती। प्यार करती है मुझे और बहुत करती है, ये भी सच है मगर इग्नोर बहुत करती है। प्यार करती है मुझे और बहुत करती है, ये भी सच है मगर इग्नोर बहुत करती है। मतलब और याद आता है कि खुद शेर बोलता है कि ईजाद किसकी है, खुद शेर बोलता है कि ईजाद किसकी है, लहजा बता रहा है कि औलाद किसकी। खुद शेर बोलता है कि ईजाद किसकी है, लहजा बता रहा है कि औलाद किसकी है। और आखिर में दो तीन शेर बदल के पढ़ के जा चाहता हूँ। कहता हूँ कि शहर भर में जो मेरी शोहरत है, सब तेरे इश्क की बदौलत है। शहर भर में जो मेरी शोहरत है, सब तेरे इश्क की बदौलत है। उड़ते उड़ते हुए सुना मैंने आपको मुझसे कुछ शिकायत है। आपको मुझसे कुछ शिकायत है, उसके साए तलक से दूर रहो, उसके साए तलक से दूर रहो। वो जो लड़की है एक कयामत है, उसके साए तलक से दूर रहो। वो जो लड़की है एक कयामत है, मैंने देखा नहीं है जी भर के, मैंने देखा नहीं है जी भर के, कैसे कह दूं कि जा इजाजत है। इमरान जी ने कहा कि वो मुझे इग्नोर बहुत करती है। उसी पर मैं आपको कहती हूँ, इग्नोर क्यों करती है कि एक दिन इमरान जी बहुत भाग के चले जा रहे थे, दौड़े हुए चले जा रहे थे। मैं बोली, ऑफिस से हर समय हर दिन आप तो बहुत लेट जाते हैं, घर जाना नहीं चाहते, आज जल्दी क्यों जा रहे हैं? तो बोले, जश्न है होली दिवाली आई है, कल ही कलकत्ते से मेरी छोटी वाली साली आई है। मैं बोली, तो क्या, दिल की धड़कन तेज सांसें मंद हो जाती है, और साली साहिबा को देखता हूँ तो एक आंख में आप ही बंद हो जाती है। खुद शेर बोलता है, इजाद किसकी है। आप खूबसूरत बड़ी खूबसूरत शायरी आपकी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नया चिराग है देखो, नया उजाला है, गजल की शाख ये फूल भी निराला है। नया चिराग है देखो, नया उजाला है, गजल की शाख पे ये फूल भी निराला है। गजब का लहजा है देखो तो शेर कहने का, कि कीमते लफ्जों को तुमने बहुत संभाला है। धन्यवाद, आभार। मैं अब मुमकिन कर रहा हूँ जीनत जी को, जीनत एहसान कुरैशी, बहुत बाकमाल शायरा हैं, यहाँ इस मंचों पे आती रही हैं पहले। मैं उन्हें एक शेर के साथ मुमकिन कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कहानी आपकी, दर्द है मेरा जुबानी आपकी, आपने मुझको बुलाया पर मुझे याद है बातें पुरानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पुनः आमंत्रित करने के लिए। गुलशन भाई की मैं शुक्रगुजार हूँ। और ज्यादा वक्त न लेते हुए एक मतलब और एक शेर से अपनी बात शुरू कर कि अंधे सफर में ठोकरें ही खा रहे हैं लोग, अंधे सफर में ठोकरें ही खा रहे हैं लोग, और जाना कहाँ है और कहाँ जा रहा है। अंधे सफर में ठोकरें
कि खा रहे हैं लोग, जाना कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं लोग, और सबकी भलाई चाही थी इतने कसूर पर, सबकी भलाई चाही थी इतने कसूर पर, मतलब परस्त हम को ही ठहरा रहे हैं, मतलब परस्त हम को ठहरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबकी भलाई चाही थी इतने कसूर पर, सबकी भलाई चाही थी इतने कसूर पर, मतलब परस्त हम को ही ठहरा रहे हैं लोग, मतलब परस्त हम को ही ठहरा रहे। गजल के कुछ शेर सुनेगा, जिंदगी से सभी जुड़े हैं, जिंदगी की बात करती हूँ। मतलब यूं कहा कि गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी, गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी, हमने चाही है तेरी खुशी जिंदगी, हमने चाही है तेरी खुशी जिंदगी, गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी। और ये शेर बतौर खास, जाने किस किस जगह हमको जाना पड़ा, जाने किस किस जगह हमको जाना पड़ा, एक झलक देखने को तेरी जिंदगी, एक झलक देखने को तेरी जिंदगी, गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी। और ये शेर भी बतौर खास सुनेगा, जिंदगी भर तेरी जुस्तजू में रहे तलाश, जिंदगी भर तेरी जुस्तजू में रहे, फिर भी तू ना कहीं मिल सके जिंदगी, फिर भी तू ना कहीं मिल सके जिंदगी, गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी। और ये शेर भी बतौर खास शायद किसी काबिल हो, हम अगर बेवफा हैं तो यूं ही सही, हम अगर बेवफा हैं तो यूं ही सही, कब वफा तूने भी हमसे की जिंदगी, हम अगर बेवफा है तो यूं ही सही, कब वफा तूने भी हमसे की जिंदगी, गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी। और देखिए जिंदगी का सच, जिंदगी का खूबसूरत मायने क्या है, जिंदगी फलसफा जिंदगी का है जीनत यही, मक्ते का शेर समाप्त कीजिए, फलसफा जिंदगी का है जीनत यही, जिंदगी मौत है मौत ही जिंदगी, मौत है मौत ही जिंदगी, गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया।